एडीजी जोन अखिल कुमार ने 4 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन स्थल तथा कार्यक्रम स्थल गोरखपुर क्लब नेपाल क्लब एमपी इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि जोन में 8 जिले हैं जहां 4 फरवरी से नामांकन शुरू होगा तथा 4 फरवरी को जनपद में भी नामांकन शुरू होगा तथा यह संभावना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 4 फरवरी को कलेक्ट्रेट में नामांकन करेंगे, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की सारी तैयारी पूरी की जा चुकी है तथा नामांकन के लिए सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि आचार संहिता का पालन करवाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है तथा एसएसबी के साथ पुलिसकर्मी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और अभी तक कहीं पर कोई समस्या नहीं है। इस अवसर पर एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कैंट श्याम देवबिंद, कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, टॉप प्रायोरिटी सिग्नल में क्लब में दिखे हैं दोनों तरफ। तिलक है शाम को इसका बस चेक कर लूं क्योंकि मुझे लग रहा है इसका ये चेक करा कि गार्ड लगा लो फिर कल कार्यक्रम में तब तक सिक्योर रहेगा बाकी ये पेंट भी आए पूरा चेक कर लो आज हो जाएगा तो यहाँ कार्यक्रम कल तो कार्यक्रम ठीक है तो यहाँ लगा देते दो आदमी यहाँ लगा देते हैं गार्ड लगा दीजिए बस और क्या ये सुरक्षित डॉक्टर तो फिल्म भी और ड्यूटीज चेक कर लो है ना आ रही और आपको इम्पॉर्टेंट है
पब्लिक उधर से आई। मेरे जोन के अंदर 8 जिले हैं जहां 4 तारीख से नामांकन शुरू हो रही है और गोरखपुर में भी 4 तारीख से नामांकन शुरू है और संभावित है कि यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नामांकन हो, तो उस दृष्टिगत रखते हुए सारी तैयारियां हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत से चेक कर रहे हैं। समस्त ड्यूटियां जो हमारे नामांकन के लिए लगनी है वो लगाई जा रही हैं। आचार संहिता का पालन हो इस विषय में लगातार कार्रवाई हो रही है। पैरामिलिट्रीज की हमारे पास कंपनी है गोरखपुर में, अभी इस वर्ष 4 कंपनी उपलब्ध है, उसकी लगातार हम लोग क्षेत्र में पेट्रोलिंग करा रहे हैं, वनरेबल एरियाज भ्रमण करा रहे हैं। अभी तक कहीं कोई समस्या नहीं है और आगे भी कोई समस्या नहीं होगी।